हिमाचल प्रदेश में जहां उपचुनाव चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इन चुनावों को राजनीति का पर्यटन बना लिया है। वे सिर्फ हिमाचल घूमने आ रहे हैं और यहां की राजनीति के बाद जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। कुल्लू पहुंचे हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि आज पूरे देश में भारत कांग्रेस मुक्त ही नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। कांग्रेस की स्थिति आज देश के कई राज्यों में बहुत बुरी है और कई राज्य में तो वह अकेले चुनाव भी नहीं लड़ पा रही है। संजय ने कहा कि बीते दिनों भी कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में बाहरी राज्यों से नेता आए हुए थे, तो यह मात्र कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर वापस लौट गए। ऐसे में हिमाचल के चुनाव उनके लिए मनोरंजन का साधन बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस के नेता कौल सिंह ठाकुर पर भी पलटवार करते हुए संजय टंडन ने कहा कि कौल सिंह राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी करते, क्योंकि बीते लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के प्रत्याशी को ही उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में काफी बढ़त मिली थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कौल सिंह को चाहिए था कि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती रखते, लेकिन वे छोटी सी पंचायत की बात कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस ने अपनी हार को अब मान लिया है। वहीं संजय टंडन ने कहा कि आज देश की 72 करोड़ से अधिक आबादी को बीते कई माह से 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और महंगाई के कारण जनता का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा की जा रही है, ताकि महंगाई की मार से जूझ रही जनता को राहत मिल सके। वहीं सह प्रभारी संजय टंडन ने कुल्लू व मनाली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। कांग्रेस ने तो एक तरह से यहाँ पे ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत हासिल कर रही है और वो घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनके एक बड़े नेता ने, कौल सिंह जी ने, एक ऐसी स्टेटमेंट भी दी कि जिसके अंदर उन्होंने ब्रिगेडियर साहब के बारे में, उनके पंचायत के बारे में कुछ बयान किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौल सिंह जी, आपने तो कंसीव कर लिया, इसको कंसीड कर लिया कि भाई जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसमें तो भाजपा जीत रही है, मेरा जो चैलेंज है वो सिर्फ एक पंचायत तक सीमित हो गया। हम तो सोचते थे कि आप बड़े नेता हैं, कोई चैलेंज देंगे तो चैलेंज मंडी संसदीय क्षेत्र के ऊपर चैलेंज देंगे, लेकिन आपने अपनी जो रीच का आपने अंदाजा सारे प्रदेश को दे दिया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। जुब्बल कोटखाई के चुनावों पे लाइफ टाइम्स टीवी की खास पेशकश, सेब सत्ता और सियासत मेरे यानी मुकुल देव रक्षपति के साथ, पावर्ड बाय गोयल मोटर्स, हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवियों और सज्जनों, मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल कोटखाई, हाट कोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट, अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइव टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।